हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं समीकरण हल करना। तो अगर आपको कोई ऐसा समीकरण दिया है, इस प्रकार का समीकरण है, अगर आपको समीकरण के बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो हमारी इसकी पिछली वीडियो देखें। इस वीडियो में हम आपको समीकरण हल करने वाले बताएंगे। तो समीकरण हल कैसे करते हैं, सबसे पहला आपको पक्षांतर करने का नियम जानना। तो पक्षांतर करने के लिए क्या याद रखना होगा आपको, पक्षांतर करने के लिए सबसे पहले आपको याद करना होगा, तो जैसे आप कोई चिन्ह, आप कोई प्लस का पक्षांतर कर दो, दूसरी साइड ले जाओगे, मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाओगे, प्लस का ले जाओगे तो ना माइनस का कर देना है आपका, ठीक है, ध्यान रखने। अगर आप माइनस के ले जाओगे तो एक उल्टे होते हैं, एक दिन अगर माइनस के ले जाए तो प्लस, अगर प्लस के ले जाए तो माइनस, माइनस के ले जाए तो प्लस, और अगर आप वहीं पर अगर गुणा के ले जाओगे, आप गुणा का जिसमें गुणा लगा हो वहाँ गुणा का अंक ले जाओगे तो गुणा का जाता सीधा भाग में, और भाग का देखो भाग का कहाँ जाएगा, अब भाग का उल्टा हो जाएगा, भाग का कहाँ जाएगा, गुणा में। ये चीज़ याद रखें, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जी, आपने अगर याद रख ले तो आपसे समीकरण सीख जाओ, वरना नहीं कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। आपका जे, आपका जे कौन सा पक्ष होता है, जे आपका कौन सा बायां हो, जे दायां, ठीक है, जे बायां हो जे दायां, तो आप जब बाएं से दाएं जाओगे तो जब प्लस का दाएं से बाएं ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस ले जाओ तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर हमने कहा था माइनस लगा तो सबसे पहले आपको, सबसे पहले अगर क्या करना, सबसे पहले अगर प्लस लगा तो प्लस, अगर माइनस लगा तो माइनस को पक्षांतर लगा, गुणा लगा तो गुणा पक्षांतर करना पहले, फिर आपको भाग करना, नियम से करना। पहले यहाँ पर माइनस लगा तो पहले माइनस को पक्षांतर करेंगे, तो माइनस को लगा पक्षांतर तो माइनस कर देंगे भैया, क्या दिक्कत है, अगर प्लस है नहीं तो प्लस कहाँ से पक्षांतर करें, नहीं है ना, पहले माइनस है तो माइनस पक्षांतर करेंगे इस साइड। तो हमने क्या कहा था कि माइनस पक्षांतर करेंगे, तो भैया हमने आपसे ये भी कहा था कि अगर माइनस पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस जब पक्षांतर करें तो चिन्ह भी चेंज कर देना है, माइनस चिन्ह यहाँ से ले आएंगे तो याद हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर जो बाकी आपका सही जाएगा तो ही रहेगा, और इसके बाद आपको क्या करना है जी, आपको 5y जहीं का तहीं लिख देना, लिख दिया हमने जहीं का तहीं, और 5 बार 5, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है जी, आपके कितने लिखा है, 12 हो जी 8, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ोगे तो आपको तो हो जाएगा 20, हो जाते हैं ना 20, तो आप क्या करोगे, 12 में आप यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में गुणा लगाया, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो इनके बीच में गुणा है, तो हमने क्या कहा था, गुणा का क्या ले जाएगा, भाग, और भाग कहलाता है नीचे, या फिर यहाँ पर भाग में लिख देंगे ऐसा, कैसा, एक बार ऐसा भाग में ले जाएंगे तो 5 20, और भाग ही लगाएंगे यहाँ पर 5 ले आएंगे तो यहाँ पर 5 भाग में लग दिया, और इस भाग को इस एक बार कैसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा देखो, इसको 20 को नीचे बटे में लिख सकते हैं, मतलब बटे मतलब भाग, ऐसा भी अपन लिख देते, या ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, अपन लोग डायरेक्ट करते ऐसा, बटे में ले आते इतना चीज़ नहीं लिखते, वे डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं अपन लोग, ठीक है, तो ऐसा क्या ऐसा भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपन भाग लगाने की बात देरी रह गई, 5 का भाग इसमें लगा देंगे, 5 से कम 5, 5 का पूरा चला गया, 20 4 बार गया तो यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया, और आंसर कितना आ गया आपका, समीकरण का हल कितना आ गया, y = 5, और जे आपका इसका हल हो गया कितना, y = 4, तो 5 का भाग पूरा पूरा चला गया, 5 का 20 कितने बार गया, 4, 4 बार गया तो 4 यहाँ पर लिख दिया, बस हो गया समीकरण हल। इतना करना हो तो अगर आपने जिस चीज़ याद रखनी है तो समीकरण हल करना बिल्कुल बेहतरीन है। अब और कुछ कठिन नहीं है भैया, आपको चढ़ा रहे तो कि कठिन लग रहा है, कुछ कठिन नहीं है भैया। अगर लोग दोस्तों को शेयर जरूर करें, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, वीडियो कैसा लगा, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।